तो अन्नदाता पहले से ही कुदरत की मार से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ मंडी प्रशासन भी उस पर सितम ढा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो किसान शनिवार को मंडी अपनी फसल बेचने के लिए मंडी प्रांगण पहुंचे थे, उनकी फसल आज रविवार तक नहीं बिकी। इतना ही नहीं, किसानों ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली टीन शेड के नीचे धूप से बचने के लिए लगा रखी थी, उन्हें भी आज सुबह मंडी प्रशासन ने एक निर्देश के बाद बाहर खड़ा कर दिया। समस्या परे है कि गुना में टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री के पार जा चुका है, उसके बाद ऐसे में किस तरह से किसान धूप में दिन भर अपने आप को खड़ा कर सकता है। वहीं मंडी प्रांगण में कोई आशियाना या कोई पेड़ पौधा भी नहीं जिसकी छाया में किसान अपना दिन काट सके। मंडी के फरमान के बाद किसान बेबसी के चलते धूप में खड़े रहने को मजबूर है। ऐसे में यदि किसी किसान की तबीयत खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह है कि हमें धूप में खड़े हैं, कल से या कल भी आए, आज भी खड़े रहेंगे, रात भी रुके आके टीन सेट में लगा लाए थे, वहां से लगाएंगे कल 1 बजे। तो क्या वो टीन से अभी यहाँ पे कैसे आ गए आप? ये आए थे अधिकारी, उन्होंने बोल दिया कहीं बाहर लगा धूप में, कहीं सुबह सरकारी मंडी कहीं यहाँ से। हां तो टीन सेट में लगाने में क्या? हां हां उन्होंने बोला दोपहर में हम धूप में भाई, हम दोपहर में हम धूप में नहीं रह पा रहे, कहीं आप कहीं धूप में आप लगाओ, 12 के बाद टीन सेट में हम इसी छाया में करेंगे, 12 के बाद टीन सेट में लगाएंगे। ऊपर टीन सेट में छाया आई सारे, तो उससे छाया से फायदा कौन को मिलेगा? व्यापारी। और आप लोग बोले धूप में खड़े हैं? हम कल के धूप में खड़े हैं और रात भी रुकेंगे, आज भी रुकेंगे, कल 2 बजे। कल 2 बजे जब से आपकी ट्राली टीन सेट में खड़ी थी, सुबह गार्ड आए, उन्होंने बोली कि इधर लगाओ साइड से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लगाओ? सबकी समस्या समाधान हो जाए, बड़ी क्यों लगाओ? क्या बोला जनवर का? जहाँ से होगी मंडी, क्यों होगी कि जहाँ पे पिछली मंडी होगी? क्या कारण है मंडी ये तो नहीं बताया मैंने कहीं की, वो तो जी लाइन से चलेगी मंडी, पर हमने बोली मैंने की रास्ता नहीं है निकलने के लिए, जैसे कल हमारी तो मंडी भी हो जाएगी तो पूरा घेरा भर जाकर ट्रालियों से, रास्ता नहीं है, एक रास्ता है इतनी दिन ट्राली सुबह, तो मंडी कमेटी जवाबदार है उसकी। मंडी आज होगी या कल होगी? कल होगी सोमवार को, अभी से क्यों लगवा रहे? वही तो कह रहा है, हम आज 100 छाए पड़े रहे थे, सबसे ज्यादा परेशानी हमें मवेशी से है।